जळगावातील गांधी तीर्थ भेट आणि सूक्ष्म सिंचन क्षेत्रातील जैन इरिगेशन कंपनीच्या विविध प्रकल्पांच्या पाहणीसाठी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत 2 दिवसांच्या जळगाव दौऱ्यावर आले होते. त्या दौऱ्याच्या समारोपावेळी त्यांची पत्रकार परिषद झाली. भाजप सरकार न्याय व्यवस्था, ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग या चौकशी संस्थांचा गैरवापर करते, यामुळे संपूर्ण देश चिंतेत आहे. जाणून बुजून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य केलं जात आहे असा आरोप त्यावेळी गेहलोत यांनी केलाय. ते नेमकं काय म्हणाले आपण पाहूयात. जिस प्रकार बीजेपी ने माहौल बना रखा है देश के अंदर, वो बहुत ही खतरनाक माहौल है. लोकतंत्र को खतरा है, लोगों की आजादी खतरे में है. कोई बोल नहीं सकता, कोई काम धंधा नहीं कर सकता. सारे अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है. रोजगार नौजवानों को मिल नहीं रहा है. रोजगार मिलना दूर की बात है, रोजगार जा रहा है. जो मिली हुई नौकरी है वो जा रही है. पूरे देश का बहुत युवा चिंतित है इस अर्थव्यवस्था को लेकर के, जो बहुत डाउन हो चुकी है. और सरकार को चिंता नहीं है. सरकार राष्ट्रीयता के नाम पर, धर्म के नाम पर, सेना के पीछे छिप करके, सेना के बहादुरी पे तो हम सबको गर्व है, उनके शौर्य पर, पराक्रम पर. ये तो आज़ादी के बाद हमेशा हमारी सेनाओं ने दिखाया है पराक्रम को, पर ये उसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं. इस रूप में आज जो देश चल रहा है उससे हम लोग सब चिंतित हैं. और उसका कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के, क्योंकि सेटबैक बहुत बड़ा लगा था हमें पिछले चुनाव के अंदर, हम चाहेंगे कि देश के हित के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियां भी थोड़ी नज़दीक आएं और सब मिलकर के जो इनके मंसूबे हैं देश के अंदर उनका मुकाबला करें, जो देश को जोड़ते. आज आज विपक्ष के लोग भी कह, आज आम जनता भी कहने लग गई कि कांग्रेस जैसी पार्टी को जिसने मुल्क को आजाद करवाया उसकी मजबूती की आज जरूरत है. ये आज आम लोगों में भावना है, मीडिया के अंदर भी और सब में. सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई और उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो रहे, आप उसके संदर्भ में क्या कहेंगे? एक के बाद एक जिस प्रकार से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, कोई संस्था जुडिशरी का जिस प्रकार से यह दुरुपयोग कर रहे हैं उससे भी देश चिंतित है. और एक के बाद एक मुकदमे बन रहे हैं सीबीआई के, ईडी के. और आज तक पिछले 5 साल तो पूरा कर लिया उन्होंने. उनके जो लोग हैं बीजेपी के, एक आदमी पे ना छापा पड़ा ना कार्रवाई हुई. मतलब वो तो बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई आरोप है ही नहीं. और कांग्रेस के संबंधित लोगों पर या एनसीपी के शरद पवार जी की आपने में बात करी, जानबूझ करके लोग फंसाया जा रहा है, जानबूझ करके टारगेट करके बदले की भावना. पीएमओ खुद मॉनिटरिंग कर, आपको हमारी जानकर आश्चर्य होगी, जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में 2014 के अंदर, तब से पीएमओ के अंदर एक ऐसा सेल बन गया है, प्रकोष्ठ बन गया है, इनडायरेक्ट रूप में, डायरेक्ट रूप में जो भी कह दीजिए, जिसका काम ये हर राज्य के अंदर इस प्रकार का माहौल बनाओ, नेताओं को अटैक करो, मुकदमे बनाओ उनके खिलाफ, पब्लिक में बदनाम करो, ये अभियान उन्होंने चला रखा है सब जगह पूरे देश के अंदर.